हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक स्ट्रीमर। दोस्तों, अगर आप लोग अपने फ़ोन के ऊपर वो बोरिंग वाले चार्जिंग एनिमेशन से बोर हो चुके हैं, और दोस्तों अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपने चार्जिंग एनिमेशन को, कुछ इंटरेस्टिंग सा चार्जिंग एनिमेशन लगाना चाहते हैं, तो आज के वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान एंड सिंपल तरीका बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने फ़ोन के ऊपर कुछ इस तरीके के अट्रैक्टिव से चार्जिंग एनिमेशन को सेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो आप अपने चॉइस के हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है। एंड उसके पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, अभी जो आपने ये चार्जिंग एनिमेशन देखा, ये मैंने दोस्तों दो एप्लीकेशंस को एक साथ यूज़ किया था, तब ऐसा एनिमेशन मुझे मिला। तो दोस्तों, एक एप्लीकेशन को देखने के बाद वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ये दो एप्लीकेशंस है, दोनों को आपको एक साथ में यूज़ करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर के ऊपर चले जाना है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है ट्रू ए एम पी एस। इतना लिख के दोस्तों आप जैसे ही सर्च करते हैं, आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाता है। तो इस वाले एप्लीकेशन को आपको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे फ़ोन के ऊपर इंस्टॉल्ड है। तो इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है। अब ओपन आप जब करेंगे फर्स्ट टाइम इसको, तो आपको एक परमिशन इसको अलाउ करनी होती है, तो एक परमिशन आप अलाउ कर दें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपल सा एक इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। इस जगह पे आपको एनिमेशन सेटिंग्स का ऑप्शन दिखता है, उसके ऊपर आपको टैप कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सारी चीज़ों को जैसा है वैसा ही छोड़ देना है। सिर्फ यहाँ पे दोस्तों एनिमेशन साइज को यहाँ पे आपको 2x पे सेट कर देना है। दोस्तों बाकी सारे फीचर्स को यूज़ करने के लिए आपको इसका प्रो वर्जन यूज़ करना पड़ता है, लेकिन हमें दोस्तों और किसी फीचर्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो इस एप्लीकेशन के ऊपर ये सारी सेटिंग्स लगाने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को सिंपली बंद कर देना है, और अब आपको दोस्तों दूसरा एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको फिर से प्ले स्टोर के ऊपर चले जाना है, और यहाँ पर आपको सर्च करना है बैटरी चार्जिंग एनिमेशन। इतना लिख के दोस्तों आप जैसे ही सर्च करते हैं, आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाता है, जो सबसे पहला वाला एप्लीकेशन है, फर्स्ट वाला। इसको भी आपको अपने फ़ोन के ऊपर इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे फ़ोन के ऊपर इंस्टॉल्ड है, तो इसको सिंपली ओपन कर लेना है आपको इंस्टॉल करने के बाद। और इसको भी आपको एक परमिशन अलाउ करना होता है, तो परमिशन को आप अलाउ कर दें। और इसके बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू का बटन आता है, लोडिंग का एक प्रोसेस होता है, उसके बाद कंटिन्यू का बटन आएगा, उस पर आप टैप करें। तो दोस्तों इसके बाद जो भी यहाँ पे एड्स आते हैं, आपको सिंपली एड को क्लोज कर देना है। और इस वाले एप्लीकेशन को दोस्तों बस एक ही बार आपको ओपन करके सारी चीजें सेटअप करनी है, उसके बाद दोस्तों आपको इसको ओपन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे आपको अब एक स्टार्ट का बटन दिखता है, आपको उसके ऊपर टैप कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है सेट एनिमेशन का, इसके ऊपर आपको टैप करना है। और यहाँ पे सिलेक्ट एनिमेशन के ऊपर अगर आप टैप करते हैं, तो आपको यहाँ पे कई सारे चार्जिंग एनिमेशंस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो भी एनिमेशन पसंद आ रहा है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जो यहाँ पे एनिमेशन यूज़ किया था, वो था ये वाला थर्ड नंबर का, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप एनिमेशन के साइज़ को भी सेटअप कर सकते हैं, कितने बड़े साइज़ का आपको चाहिए, तो यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद एनिमेशन ओपेसिटी है, उसको भी सेट कर सकते हैं। एनिमेशन का रोटेशन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, तो आपको कैसे पोजीशन पे इसको सेट करना है, सारी चीज़ें आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं इसको जीरो पे रहने देता हूँ। इसके साथ साथ एनिमेशन पोजीशन भी है, तो इसको आपको यहाँ पे बॉटम पे सेट करके रख देना है। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है, उसके बाद आपको सिंपली इस वाले एप्लीकेशन को बंद कर देना है। अब आपने दोस्तों यहाँ पे दोनों एप्लीकेशन के ऊपर सारी सेटिंग्स कंप्लीट कर ली है। अब दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली अपना फ़ोन चार्जिंग के ऊपर कनेक्ट करना है। और दोस्तों जैसे ही आप चार्जिंग पे कनेक्ट करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का चार्जिंग एनिमेशन आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो दोस्तों आप वहाँ पे से लिस्ट में से अपने पसंद का एनिमेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इस तरीके के चार्जिंग एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको एक लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड मैं मिलता हूँ अगली बार आपसे किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।